आंटी का इंतजार कर रही थी मैं बस। काफी लोग इस बात से मेरी नाराज भी हो जाते हैं। देखो ये कौन आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी फैज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है। और आज का प्लान कुछ ये है कि मैं और मामा जा रहे हैं डॉक्टर मदीहा की तरफ। डॉक्टर मदीहा की तरफ मेरा हेयर पीआरपी का 5th सेशन है, ठीक है, और मामा का आज पीआरपी का जो है वो 1st सेशन होगा। मामा का आपको याद होगा पिछले व्लॉग में कि मैंने मामा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। आज जाके डॉक्टर मदीहा से कंसल्ट करते हैं कि आज जो है मामा के फेस पर कौन सा ट्रीटमेंट होना है। वो मेरी बहनें जो मुझसे पूछ रही थी कि पीआरपी के रिजल्ट अच्छे होते हैं या नहीं, तो यस, पीआरपी हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अच्छी ना होती तो आपकी बहन 5वीं दफ़ा आज भी नहा जा रही होती। मैंने जैसा कि हर व्लॉग में बताया था, जितने भी मेरे हेयर से रिलेटेड है, कि मेरे बैरिया मूव होने के बाद, बैरिया का पानी कुछ गंदा है, पता नहीं क्या इशू है बैरिया के पानी में, कि यहाँ मूव होने के बाद मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने पीआरपी स्टार्ट करवाई थी। डॉक्टर मदीहा के पीए का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगी, ताकि आप खुद डायरेक्ट उनसे कॉल करके अपने मसले पे बात कर सकें। सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, मैं हर बार कहती हूँ, जब तक पीआरपी के सेशन तब तक होते हैं जब तक आपका जो वो गैप है ना, वो सही तरह से रिफिल ना हो जाए। तो अभी बस जल्दी से डॉक्टर मदीहा की तरफ चलते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको उनसे पूछ के वहाँ पर जाकर दूंगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई इशू चल रहा है स्किन और हेयर से रिलेटेड, तो वो आपको खुद जो है डॉक्टर मदीहा से कंसल्ट करना होगा। मैं सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, और मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रही होती हूँ। मैं और मामा तो वहीं से ट्रीटमेंट करवाते हैं। आप लोगों का जो भी इशू है, वो जब तक आप खुद वहाँ पे जाके विजिट नहीं करेंगे, डॉक्टर मदीहा से कंसल्ट नहीं करेंगे, वो आपकी स्किन और आपके हेयर इशू को खुद जाके देखेंगी नहीं ना, खुद देखेंगी नहीं, तब तक उनको पता नहीं लगेगा, ठीक है, कि क्या करना है। तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने इशू के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। तो नंबर मैं आज दे दूँगी, ताकि आप खुद उनसे जाके अपने मसले पे बात कर सकें, ठीक है, डायरेक्टली। तो अभी बस जल्दी से चलते हैं, मामा भी रेडी हो गई होंगी। चलें मामा जी, रेडी हैं आप? हाँ, ये देखें मामा जो है ना अपनी वो मेडिसिन खा रही हैं, फाइल ले ली है अपनी। ये देख लें, ये मामा की फ़ाइल है। डॉक्टर मदीहा ने कुछ मामा को मेडिसिंस बताई थी मामा के फेस के लिए। मामा में आयरन की कमी है, और मामा में 2-3 टेस्ट लिख के दिए थे, कुछ विटामिंस की कमी थी मामा में, तो उन्होंने वो उनकी टैबलेट्स दी थी मामा को, और उन टैबलेट के साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है मामा का। तो मामा जी चलिए, बहुत हम लेट हो गए हैं, 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते भी एक अच्छा खासा टाइम। हाँ, गाड़ी में मैं बैठ जाऊँ, आप ना आना टाइम से, मुझे गाड़ी में बिठा देते हैं ये लोग, और खुद नहीं आते। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप मेरे से? मुंह नहीं छुपा रहा, क्यों नहीं छुपा दिए मैं? लेट हो गई हूँ मैं, मेरी ऐसी नहीं है। आ जाए आ जाए, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। शर्मिंदगी से मैंने डॉक्टर को कॉल ही नहीं की, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट थी। आधा घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ ना उसामा? एक घंटा नहीं, चल झूठा, 6:30 बोले थे ना, तो अभी क्या 7 देखो, मेरे घर से जो ट्रैफिक है ना, आने आने में 40 मिनट्स तो लगते हैं। अस्सलाम, सो सॉरी मैं लेट हूँ। आंटी का इंतजार कर रही थी मैं बस। मैं पुरानी हो गई हूँ अब, है ना, आंटी के आगे मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत बिजी हैं, हमें भी इनसे टाइम लेना पड़ता है। मैं देख रही होती हूं, काफी मेरी बनती है हर इवेंट में, मेरे हाथ से आंटी सारा ही ऑर्गेनाइज वगैरह कर रही होती हैं। जी, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि अब मेरे, मैं यही घर से सोच के आई थी कि मेरा शायद पीआरपी होगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरी ग्रोथ हेयर की बहुत अच्छी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसलिए अब हम बालों को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, अब हम पीआरपी की तरफ नहीं जाएंगे अभी कुछ टाइम, क्योंकि अब मुझे कोई हेयर फॉल भी नहीं है और मेरी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए जो हेयर पीआरपी है, मैं उसके 4th सेशन ले चुकी हूँ, तो आप डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि अब आप यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लें। तो अभी जो मैंने ट्रीटमेंट कराना है वो है हाइड्रा विद डर्मा प्लानिंग और समथिंग, ये आपको डॉक्टर अच्छे से बता सकते हैं। और मामा का भी सेम वही ट्रीटमेंट हो रहा है, मामा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है उससे पहले, उसके बाद मेरा होगा, तब तक मैं चाय पी लूँ।
आज ओहो मुझे एलर्जी है इससे। इसको मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इसका बाल जो है वो मेरे मुंह में चला गया। ये गड़बड़ है बाबा। ओ ये इसके लिए टॉय कितना मजे का लगा हुआ है, ये मैंने अब नोटिस किया है। ये इस पे रैट बना हुआ है ना, छोटा सा रैट बना हुआ है, ये देखिए क्यूट है। इसकी तबाही इसने कर दी, इसकी एक आंख इसने एक दिन में खत्म कर दी थी। एक आंख खत्म कर दिया, उसकी टेल भी बेचारी के तोड़ दिया ना, खत्म कर दी इसने एक टाइम में। हाँ तो बिल्ली को अगर आप चूहे वाला टॉय देंगे तो वो उसका यही हाल करेगी ना। कोई डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम बताई है जो पिगमेंटेशन के लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ से ही मिलती है। मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये देखें ये क्रीम है और डॉक्टर बता रही हैं कि ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों के भी काम आ सकती है। जिन लोगों को बाहर से मिल सकती है वो ले सकते हैं, जिन लोगों को नहीं मिल सकती वो यहाँ पे डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक में F10 में आके ले सकते हैं। और ये डॉक्टर मदीहा का क्लिनिक है, छोटा सा टूर मैं आपको करवा देती हूँ। मामा का और मेरा जो है वो सेम फेशियल हो रहा है। मामा का हो चुका है, अपना मामा ने कहा मेरा मत दिखाओ रहने दो, तुम अपना दिखाना। तो मामा का दूसरे रूम में अब सिर्फ मामा को लेजर लाइट लगाई, नहीं फोटोथेरेपी लाइट। फोटोथेरेपी लाइट जो है वो मामा की स्टार्ट है और यहाँ पर मेरा जो है फेशियल स्टार्ट होने वाला है। आपका क्या नाम है? रिमशा। हम ये क्या कर रहे हैं? मैं मसाज कर रही हूँ। तो सबसे पहले रिमशा करेंगी मेरे फेस का मसाज, ताकि मेरे फेस पे अगर कोई डस्ट और पॉल्यूशन है वो क्लीन हो जाए और फिर उसके बाद हाइड्रा फेशियल हमारा स्टार्ट होगा। आज मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी कि ये जो सर्जरी है ये कैसे होती है। मेरे लास्ट कुछ व्लॉग में लोगों ने बोला है कि सर्जरियां कराती हो बहनों, सर्जरीज ऐसे नहीं होती, और सर्जरीज जिनकी हुई हुई हो उनके इस तरह के मोटे फ्लफी फेस नहीं होते। एक्नी प्रॉब्लम है मुझे, और हर लड़की को डिफरेंट इशू होता है। किसी को पिगमेंटेशन होती है, किसी को एक्नी होता है, और किसी को वाइट हेड्स होते हैं, किसी को क्या होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। हाँ मुझे वाइट हेड्स और एक्नी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे हाइड्रा हर महीने करवाना पड़ता है। क्लींजिंग के बाद अब हम कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल। तो बेसिकली जो मेन हाइड्रा फेशियल होता है ना, वो ये सारा इस इंस्ट्रूमेंट का कमाल है। सक्शन है। क्या है ये? सक्शन। रबिया आप बताएं। सॉरी मैं ना मुझे ये बीमारी है, मैं ना लोगों के नाम मिक्स कर देती हूँ, या तो मैं नाम भूल जाती हूँ या तो मैं ना नामों को मिक्स कर देती हूँ, खुद से ही कोई नया नाम दे देती हूँ हर बंदे को, और ये काफी लोग इस बात से मेरी नाराज भी हो जाते हैं। तो क्या नाम था? रमशा। हाँ रमशा। तो ये क्या हो रहा है मैम? ये सक्शन हो रहा है। सक्शन हो रहा है, ये हाइड्रा फेशियल है। जी जी, हाइड्रा फेशियल हमने स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट हमने क्लींजिंग की, मसाजिंग की, अब हम सक्शन कर रहे हैं। इससे आपकी स्किन में जितनी डार्क स्किन होगी ना, वो सब ये सब कर लेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमारी डस्ट को, पोल्यूशन को, हर चीज को जो है वो सक कर लेता है। थर्ड स्टेप है स्क्रबर। स्क्रबर से हमारे जो ब्लैक हेड्स आउट और पेन तो होता है, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड होते हैं फेस पे। और ये देखिए मेरे व्हाइट हेड्स, आप सबको ये तो रमशा तुम्हें नजर आ रही है। ये मैं चाह रही हूँ लोगों को ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो वाइट वाइट है इसके ऊपर, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये होते हैं वाइट हेड। तो ये वाइट हेड हैं जो मेरी स्किन के अंदर, डीप मेरी स्किन के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से मुझे हर महीने हाइड्रा फेशियल लाजमी लेना होता है। हम लोग समझते हैं हम क्लींजिंग कर लेंगे तो हमारा फेस क्लियर हो जाएगा, या हम फेस वॉश कर लेंगे तो फेस क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि लड़कियाँ हैं मेकअप के बगैर भी नहीं रह सकती। तो हम लोग जो मेकअप वगैरह करते हैं ना, वो हमारे पोर्स में, हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऊपर से सफाई नहीं कर सकते, तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, और अगर मैं उसको ये हाइड्रा फेशियल ना करूँ तो मेरी स्किन में इस तरह के जो है वाइट हेड्स बन जाते हैं। और हाइड्रा फेशियल के बाद अब हमारा स्टार्ट हो रहा है डर्मा प्लानिंग। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ आपसे मैंने क्लियर करवानी थी। जो लास्ट हम लोगों ने व्लॉग बनाए थे ना, तो कुछ औरतों ने, पता नहीं औरतें थी कौन थी, जिन्होंने कमेंट्स किया था कि कितनी सर्जरीज कराती हो, कितना इंजेक्शन लगाती हो, फेक दिस एंड दैट। तो
मैं चाह रही थी आप ना थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे होते हैं उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो मुझे लगता है जो घर बैठी हुई खवातीन है उनको पता ही नहीं है, उनको डिफरेंस ही नहीं पता सर्जरीज का, इंजेक्शंस का और सिंपल जो दूसरे हाइड्रा फेशियल और ट्रीटमेंट होते हैं। हालांकि मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि मुझे एक्नी प्रॉब्लम है, तो मेरी एक्नी के लिए हाइड्रा फेशियल और ये हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, मे बी उनको नॉलेज नहीं है ना, तो हमारा काम है उन लोगों को अवेयरनेस देना। यस, बहुत नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, स्पेशली हाइड्रा फेशियल एक काइंड ऑफ मेडिकेटेड फेशियल है। पहले जैसे सैलॉन्स में ट्रेंड था, इनफैक्ट अभी भी जो अच्छे हाई एंड सैलॉन्स हैं वो हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। तो हाइड्रा फेशियल इज जस्ट अ वे ऑफ क्लेंजिंग योर स्किन, और स्पेशली अगर ड्राई स्किन है ना किसी की तो वो उसको के लिए बहुत अच्छा है। किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट सीरम्स यूज हो रहे होते हैं और उसी प्रॉब्लम और उसी कंसर्न के लिए वो एक रेलेवेंट सीरम जो है वो यूज होगा। लेकिन ये कोई सर्जरी नहीं है, इट्स अ नॉन इन्वेजिव, पेशेंट आपके सामने हंस रहा है बोल रहा है, और सर्जरी तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जो कि आई थिंक हॉस्पिटल सेटअप और ओटी में होती है, इतना तो सभी को खैर पता है। ये मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जिन्हें सर्जरी लग रहा है, ये आप लोगों को अब क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिटेल में कोई भी नहीं बताता होगा जितना मैं बता रही हूँ। अब डर्मा प्लानिंग के बाद अब हम जो है मास्क अप्लाई करेंगे आपके फेस पे, और मजा आ रहा है इसके बाद ना। मम्मा तो मास्क लगाने के बाद ऐसी हो गई थी जैसे एक स्टैचू होता है ना, सांस भी मम्मा ने खींच ली थी अंदर। स्प्रे में क्या है? रोज वाटर है और सीरम्स है। इसे क्या कहते हैं? बायो स्टिमुलेटर। यार इससे मुझे गुदगुदी हो रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोथेरेपी, और उसमें जो है मेरी आईज क्लोज होंगी, ठीक है, और कैमरा हम देंगे राबिया रमशा कैमरा हम देंगे रमशा को, ठीक है। मैं आपको फोटोथेरेपी लग चुकी है, अब आप 10-15 मिनट्स रेस्ट करें, और आपका फोन मैं आपकी मदर को दे रही हूँ, तो आप इंजॉय करें रेड लाइट। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे कि लाइफ तो नहीं और दिखाएंगे कि ये देखें कितना ग्लो आता है इससे। अब इसके बाद क्या करना है हमने? That's it. ये देखें इसका नेचुरल ग्लो है, ओहो मेरे जुल्फे ना दिखें, ये चेक करें, थोड़ी सी रेडनेस है क्योंकि मेरी स्किन के अंदर से डीप वो जो निकाले है ना वाइट हेड, उसकी वजह से थोड़ी सी रेडनेस है, बाकी आप ग्लो देखें, ग्लो चेक करें। ओके जी, मामा का और मेरा दोनों का ट्रीटमेंट हो गया, ये देखें मामा भी कैसे हैं, दशकारे मारी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर, इंशाल्लाह अब माइक्रोनीडलिंग के लिए मिलेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो सर्जरी। ओके मामा, अल्लाह हाफिज कहें आप अपनी बेटी को, मामा तो आप यकीन करें ये सब करवाती नहीं है, मामा को पसंद ही नहीं था, मामा कहते मुझे जाना ही नहीं है। एक दफा मामा ने हाइड्रा फेशियल करवाया था मेरे कहने पे, मामा तंग पड़ गई, सिर्फ आपकी वजह से आती है इधर। इंशाल्लाह अब चलते हैं जल्दी से घर, और घर जाके आपको बाकी के मामलात बताते हैं, ठीक है मामा। 2 hours later. इधर आ जाओ। ये देखें, ये हमने हॉट एंड स्पाइसी की दाल मखनी मामा को बहुत पसंद है, और ये वहाँ से हम लोगों ने पैक करा ली थी कि आराम से घर जाके खाएंगे। सामान उठाने वाला, कपड़े धोने वाला, पता नहीं क्या क्या बना दिया मुझे, ये क्या हो रहा है। चलें जी घर हम आ गए, और ये क्या सरप्राइज है, देखो ये कौन आया, ये क्या सरप्राइज है, तुमने बताया नहीं, ये सब ठीक है। हाँ ये आपके लिए खास सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, मामा का फेशियल करवाया और अपना भी ना। अच्छा हाँ, एक सरप्राइज है लेकिन ये कल बताऊंगी। मुझे नहीं पता लगेगा, ये ऑडियंस को नहीं पता लगेगा, ना ऑडियंस को
और ना ही आपको पता चलेगा। तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये एक सरप्राइज का मतलब क्या है? हाँ। मतलब हमने एक ऐसा प्लान किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरा और आंटी का प्लान है। हाँ चल जी, हमारा कोई आपस में को पर्दा भी रेड़ दिया करो, कोई छुपा पुटा रेड़ दिया करो। चलें जी, सही है इन लोगों के प्लान पर चलो जी। गड्डी जोड़ी गड्डी बैक है। एक्सक्यूज मी, ये हम आपको बताएंगे कल, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, जल्दी से जो है खाना गर्म करते हैं, क्योंकि आपकी बहन को बहुत ही शदीद भूख लग रही है, और सुंदस ने तो मुझे बताना नहीं है, लेकिन मैं रात को गुलवा लूंगी इससे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ रात को मैं आपको तो रात में बता दूंगी, बट ऑडियंस को हम बताएंगे कल। देखा, मुझे पता है ना, मुझे नहीं बताएगी तो प्लान आगे कैसे बढ़ेगा। तो मुझे तो ये बता देगी, मैं तो अपने तरीके से गुलवा लूंगी। आप लोगों को सरप्राइज पता लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी चलें जी मामा, जल्दी से दाल मखनी गरम करते हैं और खाते हैं। अब हम खाते हैं खाना, और खाने में है मामा के हाथ का बना हुआ बैंगन का भरता। तुम्हें पसंद है भरता? हाँ बहुत आंटी के, मुझे खुद बैंगन का भरता है। और ये मैं बताती हूँ, फायजा ने बनाया है ग्रीन सैलेड, इतने मजे का है। देखो टेस्ट हो तो कटिंग में इतना मजे का है ना, टेस्ट हाथों में होता है, हाथों, ये हाथों का जादू है मेरी जान। ये ना गर्मियों में इतना मजा आता है ना, ये ब्रोकली और लेटस और क्यूकम्बर, गर्मियों में ग्रीन सैलेड का एक अपना ही मजा। और ये जो दाल मखनी है, ये हम लेकर आए हैं हॉट एंड स्पाइसी की। यम। अब हम खाते हैं खाना। सरप्राइज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग का। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि वो क्या सरप्राइज है, ठीक है? और अभी के लिए इस व्लॉग को यहाँ पे मैं करती हूँ ख़त्म। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआओं में रखें मुझे याद, खुश रहें, आबाद रहें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय करने दुआ। बाय 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 टाटा।